नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम साइंस और टेक्नोलॉजी का वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये है हमारा वीकली करंट अफेयर डिस्कशन का वीकली शेड्यूल और ये हमारा जीएस का लाइव क्लासेस का शेड्यूल। शाम को 3 बजे से 5 बजे तक स्टेट पीसीएस की लाइव क्लासेस चलती हैं और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक यूपीएससी की लाइव क्लासेस चलती हैं। आइए देख लेते हैं हम आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सिकल सेल डिसीज, इसका भी वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया गया था इसलिए ये चर्चा में था, इसको देखेंगे। रोशनी क्या है, ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। काला अजर, इसको देखेंगे, इसको भारत ने अभी इसको समाप्त करने का गोल रखा है। और दानुरी क्या है, ये भी प्री 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक पर। हमारा आज का पहला टॉपिक है सिकल सेल डिसीज। ऐसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सिकल का मतलब होता है हसिया, सिकल का मतलब होता है हसिया। तो ऐसी बीमारी जिसमें सेल्स हसिया नुमा आकृति में बदल जाते हैं उसे सिकल सेल डिसीज कहते हैं। तो क्या इस डिसीज में पूरे शरीर के सेल्स हसिया नुमा हो जाते हैं? नहीं, इसमें सिर्फ आरबीसी के सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनमें ही हसिया नुमा आकृति हो जाती है, इसीलिए इसे हम सिकल सेल डिसीज कहते हैं। यह एक प्रकार का वंशानुगत विकार है। यह ऐसा नहीं है कि ट्रांसफरेबल है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसे नॉर्मली हो जाता है। यह वंश परंपरा के द्वारा आगे बढ़ने वाली बीमारी है जो कि आरबीसी को प्रभावित करती है। अभी आरबीसी क्या है, आप इसको डायरेक्ट रक्त मत समझ लीजिए। रक्त में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा जो कि लगभग रक्त का 55% होता है, और एक होता है वाइट ब्लड सेल WBC जो कि लगभग 4% होता है, और एक होता है आरबीसी, ये लगभग 41% के आसपास होता है। इन सारी चीज़ों से मिला के रक्त बनता है, तो इसमें यह आरबीसी को प्रभावित करता है। रक्त एक कोई ऐसा नहीं है कि रक्त सेल है, रक्त ऊतक है, इसे आप लिक्विड ऊतक कह सकते हैं, तरल ऊतक है रक्त, जिसमें ये प्लाज्मा WBC और आरबीसी होते हैं। और यह सिकल सेल डिसीज आरबीसी को प्रभावित करती है, सिकल सेल डिसीज आरबीसी को प्रभावित करती है। अब आरबीसी को प्रभावित करने से क्या इफेक्ट आता है, आरबीसी में एक चीज होती है क्या, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है जो कि ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। समान रूप से आप इस डायग्राम में देखेंगे, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लें, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये जो ये है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स नॉर्मली गोल आकृति के होते हैं, ये ऐसे नॉर्मली राउंड शेप में होते हैं, लेकिन राउंड शेप में होने से इनको क्या फायदा होता है, जैसे आप दूसरा कोई भी राउंड शेप का एक इसके बगल में सेल लाएंगे तो ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, मतलब एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं क्योंकि इनका शेप राउंड है। लेकिन अगर यही हसिया नुमा आकृति के सेल आ जाते हैं, हसिया नुमा आकृति के सेल, तो ये एक दूसरे से ऐसे चिपकते चले जाते हैं, जो कि कई मेन यही रीजन है, एक दूसरे से चिपक जाना ही मेन रीजन है इस बीमारी का कारण। अब देखते हैं आगे कि सिकल सेल डिसीज में आरबीसी का आकार हसिया की तरह हो जाता है जो कि स्टिकी और रिजिड हो जाता है, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल का गोल आकृति होती है और ये टूट के हसिया नुमा, इतना जैसे यहाँ बीच से टूट गया मान लेते हैं, तो आधा आधा ऐसे हसिया बचा, आधा ये ऐसे हसिया नुमा आकृति बची इसकी, और ये रिजिड हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हो, एक से अगर आप इसको तोड़ देते हैं छोटी, तो नॉर्मली रिजिड हो जाती है, ये टूट के स्टिकी और रिजिड हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आइए देखते हैं कि इस सिकल सेल डिसीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें मुख्य सिम्टम्स हैं एनीमिया, दर्द, सूजन, संक्रमण, शारीरिक विकास में देरी और दृष्टि की समस्या भी हो सकती है। अब एनीमिया कैसे, इसका मैकेनिज्म में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सिकल सेल आसानी से टूटकर मर जाते हैं। जैसे कैसे आसानी से टूटकर मर जाते हैं, आप ये जानते होंगे कि नॉर्मली आरबीसी की लाइफ होती है 120 दिन के आसपास। नॉर्मली एक आरबीसी, एक रेड ब्लड सेल्स 120 दिन तक जीता है, लेकिन जो टूट गया, अगर यह अपनी उसमें टूट गया बीमारी के कारण, जेनेटिक्स बीमारी के कारण यह हसिया नुमा आकृति में आ गया, तो इसकी उम्र 10 से 20 दिन तक ही होती है। अब ये अभी तक नॉर्मली ब्लड के बनने का एक साइकिल 120 दिन का है, नए ब्लड के आने का,
लेकिन सिकल सेल डिसीज के कारण आरबीसी की लाइफ घट के 10 से 20 दिन ही रह गई, जो कि आरबीसी को शरीर में कम रेड ब्लड सेल की कमी कर देता है शरीर में। और रेड ब्लड सेल की कमी का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में ही रहता है। आरबीसी कैरीज एचबी, ये तो आपको पहले ही बता चुका है, जिसके कारण आपको एनीमिया एनीमिया यानी रक्ताल्पता की शिकायत हो जाती है। अब ये आगे आपको पहले ही आपको बताया कि ये हसीयनुमा आकृति के कारण ये एक दूसरे से ऐसे चिपकते चले जाते हैं, जिसके कारण ये किसी भी अंग में या किसी भी ऐसे नली में आके रक्त वाहिकाओं में आके ये जम जाते हैं, ऐसे आके एक चिपक जाते हैं, जो कि एक दर्द का कारण। यहाँ से ब्लड फ्लो तो लगातार बन ही रहा है, लेकिन ये उसको बाधित कर दिए उसके जाने की जगह को, जिसके कारण दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। सूजन भी वही रीजन है सूजन होने का, वहीं पे आरबी सेल इकट्ठा होते जा रहे हैं जो कि सूजन उत्पन्न कर देते हैं। संक्रमण इससे हो जाता है, अगर यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, आगे के अंग को ऑक्सीजन नहीं प्रवाहित होगा, तो ये अपने आप इसमें समस्या आएगी, जिससे शारीरिक विकास में भी देरी देखी जाती है, जिनको अधिकतर बच्चों में ही समझ में आता है ये कि ये जेनेटिक बीमारी है, तो उनके शारीरिक विकास में भी देरी होती है। और इसे दृष्टि की समस्या कैसे, सेम रीजन यही कि ये रेड ब्लड सेल्स इकट्ठा जुड़ते चले जाते हैं, ये इनका फ्लो नहीं हो पाता, जिस कारण से ये जैसे जो भी ऑप्टिक नर्व होती हैं उनके पास जाके ये जमने लगते हैं, जिसके जो जो कि ब्लड को जो जो कि जो भी आपका रिफ्लेक्शन है वह माइंड तक नहीं दे पाता, जिससे दृष्टि धुंधली हो जाती है इस सिकल सेल डिसीज के कारण। सिकल सेल डिसीज के सिम्टम एनीमिया, दर्द, सूजन, संक्रमण, शारीरिक विकास में देरी और दृष्टि की समस्या भी होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है, उसमें बदलाव हो जाता है, जो कि एक मतलब एक कॉपी बन जाती है उसकी, जो कि डिफेक्टेड होती है। हीमोग्लोबिन के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है उसमें बदलाव एक डिफेक्टेड कॉपी के रूप में हो जाता है। और इसके मतलब किसी बच्चे में सिकल सेल डिसीज होने के लिए एक शर्त है कि माता पिता दोनों में सिकल सेल जीन का होना आवश्यक है। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ माता में ही एक जीन है, सिकल सेल जीन माता में ही है, पिता में नहीं है, तो वह बच्चे में ट्रांसफर तो होगा सिकल सेल डिसीज, लेकिन वह उसको प्रभावित नहीं करेगा। प्रभावित तभी करेगा जब ये दोनों जीन के एक एक कॉपी पेयर मिलके बनाएंगे, तब ये सिकल सेल डिसीज में इसको परिवर्तित हो जाएगी। ये होती कहाँ है? ये अफ्रीका, अरब और भारतीय मूल के लोगों में ज़्यादातर देखी जाती है। सिकल सेल डिसीज अफ्रीका, अरब और भारतीय मूल के लोगों में ज़्यादातर देखी जाती है। ये यूरोपियन लोगों में बहुत ही कम केसेस आते हैं सिकल सेल डिसीज के। और वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है 19 जुलाई को, ये आप याद रख सकते हैं। आइए हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है रोशनी। रोशनी क्या है? यह भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन है। ये याद रखिएगा, यूपीएससी में रोशनी कह देगा कि अंधे बच्चों के लिए कोई गवर्नमेंट की योजना है, ऐसे कुछ भी टर्म बना सकता है। इसमें याद रखिएगा रोशनी क्या है, यह एक लालटेन है जो कि खारे पानी से चलती है। इस लालटेन में एलईडी बल्ब को बिजली देने के लिए समुद्र के पानी का उपयोग किया जाता है। और ये समुद्र के पानी को क्या है, समुद्र का पानी क्या काम करता है, यह विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? यह जनरली ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा या कि फिर आयन को ट्रांसफर करेगा, आयंस को ट्रांसफर करता है ये इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड के बीच में यह इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है समुद्री जल। अब जरूरी नहीं कि उसमें समुद्र का ही पानी हो, इसमें कोई भी सामान्य जल जिसमें कि नमक मिला हुआ हो, इसमें आप नमक मिला के उसको खारा कर दीजिए सामान्य जल को, उसको इस लालटेन में आप डालेंगे तो वह आपको बिजली देने लगेगा। इसका महत्व है गरीबों में, विशेषतः मछुआरों के लिए ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करने में। और इस लालटेन को राष्ट्रीय महासागर अनुसंधान चेन्नई ने इसे डेवलप किया। राष्ट्रीय महासागर अनुसंधान चेन्नई ने इसे डेवलप किया है रोशनी को, ये याद रखिएगा। रोशनी का संबंध किसी अंधे व्यक्ति के लोगों से संबंधित कोई योजना से नहीं है, यह एक लालटेन है, इसे याद रखिएगा। ये
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूछ सकता है यूपीएससी में, जनरली वो इतने इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है काला अजार, या इसे काला ज्वर भी कहते हैं। काला अजार ये क्यों अभी न्यूज में है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने इसे 2023 तक में, अभी 2022 का मध्य चल रहा है, और इसे 2023 तक काला ज्वर को पूरा समाप्त करने का, खत्म करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, और यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि WHO ने इसका लक्ष्य रखा है 2030 तक समाप्त करने का, लेकिन भारत सरकार इसे 2023 2023 तक ही इसे समाप्त करना चाहती है। भारत में 633 ऐसे ब्लॉक्स ने वो चिन्हित किए गए थे जहां काला जर का प्रभाव देखा जाता था, लेकिन 2021 तक भारत ने 625 633 में से 625 ब्लॉकों में से काला जर को समाप्त कर दिया है। अब शेष बचे जो भी ब्लॉक हैं जहां काला जर का भी देखा जा रहा है, वहां पे 2023 के अंत तक हम इसे समाप्त कर देंगे, ऐसा भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। आइए अब देखते हैं काला जर के बारे में कि काला जर है क्या। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज NTD, यह उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग क्या होते हैं? यह कई संचारी रोग, ऐसे संचारी रोग जो उष्णकटिबंध के क्षेत्र में ज्यादा होते हैं, उनका एक समूह है। कई संचारी रोगों का यह एक समूह है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। इसे लीशमैनियासिस भी कहते हैं, लीशमैनियासिस, ये याद रखिएगा, लीशमैनियासिस भी कहते हैं। लीशमैनियासिस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक परजीवी के द्वारा होता है जिसे लीशमैनिया कहते हैं। ये परजीवी का नाम याद रखिएगा, लीशमैनिया। एक नाम पूछ सकता है कि काला जर किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, फंगस, जो भी पैरासाइट, तो यह एक पैरासाइट परजीवी के द्वारा होता है, उसका नाम है लीशमैनिया काला ज्वर। यह तीन प्रकार का होता है, विसरल लीशमैनियासिस, त्वचीय लीशमैनियासिस और म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस। विसरल लीशमैनियासिस यह सबसे इस बीमारी का, काला ज्वर का सबसे गंभीर रूप है। विसरल लीशमैनियासिस कई अंगों को प्रभावित करता है। यह विसरल आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, विसरल जो सरल नहीं है, कठिन है, यह सबसे गंभीर रूप में है। त्वचीय लीशमैनियासिस यह सिर्फ त्वचा को प्रभावित करता है, और म्यूकोक्यूटेनियासिस लीशमैनियासिस यह त्वचा और म्यूकोसल घावों का कारण बनता है। म्यूकोसल घाव जैसे आप समझ लीजिए, जैसे जो भी इंसान के शरीर में जो छिद्र होते हैं, जैसे नाक हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, तो इनके जैसे नाक का जो एंट्री पॉइंट है उसके ऊपर एक श्लेष्मस त्वचा बनी रहती है अंदर की तरफ से, उधर भी इस बीमारी के कारण घाव हो जाते हैं, उसको म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस कहते हैं। इसका केवल एक उपचार के लिए केवल एकमात्र दवा उपयोग की जाती है आज तक, वो है मिल्टेफोसिन। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, मिल्टेफोसिन का नाम देके बोल सकता है कि कोरोना की दवा है, इसलिए बीमारियां बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही हैं आजकल। तो यह काला ज्वर की दवा है मिल्टेफोसिन, और यह न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि यह मिल्टेफोसिन ये जो इसका परजीवी है लीशमैनिया, यह इससे इम्यून बन रहा है। मिल्टेफोसिन को अब उतना ज्यादा ये रिएक्ट नहीं कर रहा है उसको, मतलब आप एक तरीके से इम्यून बन चुका है मिल्टेफोसिन के की ओर, क्योंकि इसका अनियमित रूप से डोज दिया जाता है मरीजों को, जो कि परजीवी को इम्यून बनाने में मदद करता है। हमारा अगला टॉपिक है दानुरी। दानुरी क्या है? सबसे पहले तो दानुरी आप ये समझिए, यह एक चंद्रयान मिशन है, कहाँ का? दक्षिण कोरिया का। ये याद रखिएगा, दानुरी टर्म दे सकता है, और ऐसा UPSC कई बार क्वेश्चन दिया है। दानुरी एक दक्षिण कोरिया का पहला चंद्रयान मिशन है, दक्षिण कोरिया का पहला लूनर मिशन है। अब देखते हैं दानुरी का मतलब क्या है। दानुरी यह दो शब्दों से मिलकर बना है, कोरियाई शब्दों से मिलकर बना है, एक है दाल और दूसरा है नुरीदा। दाल का मतलब होता है मून, कोरियाई भाषा में दाल का मतलब होता है मून, और नुरीदा का मतलब होता है इंजॉय। तो इसका पूरा मतलब आप ये समझिए, दानुरी का मतलब है जो कि चंद्रमा को इंजॉय करने वाला एक यान हम भेज रहे हैं, वो दक्षिण कोरिया ऐसा संदेश देना चाह रहा है। इसमें क्या है, इसमें एक गैर संचालित उपग्रह है जिसको यहाँ से कंट्रोल नहीं किया जाएगा, वह ऑटो मतलब ऑटो मोड में रहेगा, जो कि स्वतः ही सब काम करेगा, जिसे चंद्रमा सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर स्लाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 60 से 66 मील ऐसा कुछ उसमें दिया है, 100 किलोमीटर ऊपर स्लाइड के लिए डिजाइन किया गया है। यह चंद्रमा से 100 किलोमीटर के ऊपर
ये जो ये सैटेलाइट है यह चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर ऐसे उसके स्लाइड करता रहेगा उसके पूरे चारों तरफ। इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर वाटर आइस, यूरेनियम, हीलियम थ्री, सिलिकॉन या एल्युमिनियम को मतलब उसके उसके ट्रेस करना कि वहाँ पे उनकी उपस्थिति पाई जाती है या नहीं, वाटर आइस है, यूरेनियम है या नहीं, सिलिकॉन एल्युमिनियम ये सारे तत्व हैं या नहीं, और टू प्रोड्यूस अ टोपोग्राफिक मैप ऑफ मून टू हेल्प फर्दर लूनर लैंडिंग साइट। और वहाँ पे एक टोपोग्राफिक एक मैप बनाएगा ये मिशन दानुरी, जो या दानुरी जो मिशन है यह एक टोपोग्राफिक मैप बनाएगा जो कि आगे आने वाले लूनर मिशन के लिए एक लैंडिंग साइट के रूप में एक मैप का काम करेगा कि हम यहाँ पे इसको इस मैप को सॉरी इस यान को उतार सकते हैं या नहीं। तो ऐसा एक मैप भी बनाएगा ये। इसमें 6 उपकरणों के, ये जो आपके सामने ये दिख रहा है इसमें 6 उपकरण लगाए गए हैं जिसमें से एक नासा का एक कैमरा भी है जिसका काम क्या है कि स्थायी रूप से छायादार ध्रुवों में चंद्रमा के, आप ये जानते होंगे कि चंद्रमा के ध्रुवों में यहाँ पे स्थायी रूप से छायादार मतलब गड्ढे दिखाई देते हैं जब आप दूरबीन से देखते हैं, तो स्थायी रूप से छायादार बर्फ से भरे गड्ढों को चित्र लेगा ये जो इसमें जो कैमरा लगा होगा जो कि नासा के द्वारा दिया गया है उसमें लगाया गया है वह स्थायी रूप से छायादार बर्फ से भरे गड्ढों के चित्र लेगा। हमारा टॉपिक यहीं तक थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।